मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग से मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंगो आइसक्रीम, देखिए अब सीज़न है मैंगो का, तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, तो आज मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाया है। बहुत ही यमी सा बनाया है मैंगो आइसक्रीम। आप अपने हिसाब से किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, मैंने इसे ग्लास में जमाया है। चलिए आगे प्रोसेस बताते जाती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। मैंने एक आम लिया है, आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक आम से बहुत सारे आइसक्रीम बना है, तो इसे मैं अच्छा सा छील लूँगी। आम अच्छा सा थोड़ा सा पका रहे, बिल्कुल कच्चा आम ना ले, मतलब जैसे कि कुछ आम पके आम भी थोड़ा जैसे हार्ड रहते उस टाइप का आम नहीं लग चलेगा। थोड़ा सा पका हुआ आम लेंगे, उसे मैं अच्छा सा छील लूँगी। छीलने के बाद इसे मैं पीसेस में कट करूँगी। इसे मैं पीसेस में कट करके इसे ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। इसे एकदम बारीक सा पेस्ट बनाना है। बस अब मैं इसे मिक्सी का जार ले रही हूँ। जार लेके इसे मैं थोड़ा सा नॉर्मली और थोड़ा सा कट कर लूँगी, फिर जार में डाल के इसे अच्छा सा मैं पीस लूँगी। बहुत ही यमी लगता है ये मैंगो आइसक्रीम। सीज़न में तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी आइसक्रीम। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा इसका। खैर मार्केट में तो इस टाइप का आइसक्रीम मिलते भी नहीं है, आप घर में इजीली बना के इतनी टेस्टी सारे आइसक्रीम बना सकते हैं। अब मैं मिक्सी का जार ली हूँ, इसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। मैंने एक कढ़ाई गरम किया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हम लोगों को दूध बॉईल करना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध, मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसे हम लोगों को अच्छा सा गाढ़ा करना है। अब जैसे ही दूध बॉईल हो जाए अच्छा से, मैं इसे पहले बॉईल करूँगी, अच्छे से चला लूँगी ताकि नीचे लगे ना, और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि नीचे लग ना जाए। बहुत जल्दी लग जाता है दूध, फिर उसका स्मेल आने लगेगा तो आइसक्रीम का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यूस मैं चला रही हूँ, बिल्कुल नीचे लगने ना दे। अब मैंने एक कटोरी लिया है जिसमें मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर मैं बहुत ही कम मात्रा में ले रही हूँ, और मैंने इसमें ठंडा दूध लिया है। दूध दे के इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैं इसे साइड में रख दूँगी जब तक कि दूध भी अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसे अच्छा सा गाढ़ा करना है। दूध को मैंने 1/2 लीटर, 1 लीटर दूध ली थी तो उसके वजह से मैंने 1/2 लीटर दूध, इसे बॉईल करके मैंने 1/2 लीटर दूध कर लिया है। अब इसके बाद इसे मैं फ्लेम को लो करके मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, जो हम लोगों ने मिक्स किया था कस्टर्ड, उसे इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें चीनी डाल रही हूँ स्वाद के हिसाब से। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कम ही डाला था, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। चीनी डाल के मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी क्योंकि चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा सा पतला होता है। इसके बाद मैं अच्छा से उसे और थोड़ा सा 5 मिनट पका के इसे मैं अच्छा सा गाढ़ा कर ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड वाला मिक्स वाला दूध। इसे भी मैं डाल के 5 से 10 मिनट तक इसे मैं लो फ्लेम पे अच्छा सा गाढ़ा करूँगी ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और जितने साइड साइड में मलाई जम रही है उसे खरोच खरोच के उसी में मिक्स कर दीजिएगा। इससे एक रबड़ी का भी टेस्ट आएगा और बहुत ही दूध भी गाढ़ा होगा क्योंकि सारी मलाई को मैं खरोच खरोच के उसी में मिक्स करते जा रही हूँ, क्योंकि दूध का ही मलाई है जो साइड साइड में जम रहा है। इसे मैं अच्छे से गाढ़ा कर ली हूँ और अब इसे मैं ठंडा कर ली हूँ। गैस बंद करके मैंने इसे अच्छा सा ठंडा कर लिया है, देखिए कितना अच्छा सा एकदम रबड़ी बन चुका है। अब मैं इसमें ठंडा होने के बाद मैं इसमें जो हम लोगों ने मैंगो को पल्प बनाया था उसे इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल गर्म दूध में नहीं करना, नहीं तो ये फट जाएगा। जब ये रबड़ी अच्छे से ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसमें जो हम लोगों ने मैंगो पल्प बनाया था उसे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखिए बहुत ही सिंपल वे से मैंने बताया है, और देखिए इसे बस जमाना, आप चाहे तो आइसक्रीम स्टैंड में जमाएं, चाहे आप आइस क्यूब में जमा सकते हैं, आपको जो सूटेबल हो, चाहे आप चाहे तो डिस्पोजल कप में भी जमा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ, मैं इसमें ग्लास में जमा रही हूँ। फिर से मैं कट कर लूँगी। देखिए सबको मैं फिल कर ली हूँ ग्लास में। देखिए कितना सारा बना है आपके एक मैंगो से और एक लीटर दूध से। आप इसी तरह से आप रेसिपी को घर में बना सकते हैं। बस मैं सिल्वर फॉइल से इसे मैं अच्छे से पैक कर दूँगी। पैक करके मैंने ओवरनाइट इसे फ्रिज में रखा है। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद ही मैं इसे कट कर रही हूँ। आप 5 से 6 घंटा इसे चिल्ड करके इसे जमा के आप इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से बन जाता है, 4 से 5 घंटे में जम जाता है आइसक्रीम। बस इसे मैं ओवरनाइट रख दी थी, अच्छे से जम चुका है। अब मैं इसे निकाल के कट करूँगी। देखिए बिल्कुल आइस लगा है। अब इसे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कैसा है, उसके बाद इसे मैं ठंडे पानी में डाल के सबको मैं निकाल के कट करूँगी। मैं साइड से थोड़ा छुड़ा दे रही हूँ। बस एक पानी वाले बर्तन में रख के मैं इसे साइड से हल्का से ये नरम हो जाए तो इसे मैं निकाल दूँगी। देखिए बहुत इजी निकल जाता है। वैसे ऐसे ही मेल्ट कर लीजिए और आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए एकदम अच्छे से जम चुका है, एकदम मैंगो आइसक्रीम एकदम यमी सा बन चुका है। इसे मैं कट करूँगी और इसे मैं सर्व करूँगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और मेरे चैनल में बहुत सारी रेसिपीज़ है जिसे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे से मैंने सारी रेसिपीज़ बताई हैं। देखिए ऐसे मैं सबको कट कर लूँगी और मैं सर्व करती हूँ। रेसिपी को इसी मेज़रमेंट से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसे मैं ऊपर से पिस्ता से मैं गार्निश करूँगी। बारीक चॉप किया पिस्ता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए बन चुका है मैंगो आइसक्रीम। पिस्ता से मैंने सारी आइसक्रीम को गार्निश कर दी हूँ। अब मैं इसे ऐसे सर्व करूँगी। मेरे चैनल में और सारी बहुत सारी रेसिपीज़ है जो इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। चलिए आगे कोई मैं और अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।